नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भारत ने गुपचुप तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। तो जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, दुनिया के बहुत से देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं, मगर इस रेस में चार देश सबसे आगे हैं, और वो देश हैं भारत, चीन, रूस और अमेरिका, जिसमें से कि रूस ने पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर दी है। और इस मिसाइल ने जिस प्रकार की तबाही मचाई है वो तो हम यूक्रेन युद्ध में देख ही चुके हैं। और इस मिसाइल को रूस ने एक बार नहीं, दो से तीन बार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है। और इसी कड़ी में भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रेस में लगा हुआ है, और भारत स्वदेशी तौर पर HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल पर काम कर रहा है। साथ ही भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर भी काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको वीडियो बनाकर ये बताया था कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक में चीन और अमेरिका से भी आगे चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट किए हैं उसके ज्यादातर टेस्ट फेल रहे हैं। और रही बात चीन की, तो चीन भी भारत से पीछे ही है, और अभी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल बनने में भारत चीन और अमेरिका से आगे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय DRDO HSTDV पर तेजी से काम कर रहा है, और इसी से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि HSTDV का चौथा टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि भारत ने तो HSTDV के दो ही टेस्ट किए हैं, एक जून 2019 में और दूसरा सितंबर 2020 में, तो अब ये चौथा टेस्ट कैसे होने लगा? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने गुपचुप तरीके से 2022 की स्टार्टिंग में ही HSTDV का टेस्ट कर लिया था, और ये टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। और इस तीसरे टेस्ट के लिए DRDO ने एरिया वार्निंग भी जारी की थी, पर इस एरिया वार्निंग में DRDO ने कौन सा मिसाइल टेस्ट किया था इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय DRDO ने इस गुपचुप तरीके से किए गए टेस्ट की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब चौथा टेस्ट होने वाला है तो तीसरा टेस्ट तो हो ही गया होगा। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि HSTDV का चौथा टेस्ट होने के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी, और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 6 Mach से ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, स्वदेशी तौर पर बनने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया है। और इसलिए भारत की काबिलियत को देखते हुए अमेरिका भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कृपा करें। मगर दोस्तों, भारत जानता है कि अमेरिका के साथ मिलकर मिसाइल बनाना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि किस समय अमेरिका किस तरफ अपना मुंह मोड़ ले ये तो कोई नहीं जानता। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।